बेटे आज हम पाठ कर रहे हैं नीलकंठ। तो नीलकंठ का मतलब है नीला गला। कंठ मीन्स गला, नीला गला। और मोर की आकृति आप देखें तो मोर तो होता ही नीला है ना। मोर का गला भी नीला होता है और वैसे भी मोर तो होता ही, मोर पंखी कलर ही एक टिपिकल कलर है। मोर पंखी कलर ब्लूइश टच लिए होता है। प्लीज म्यूट यू ऑल, म्यूट योर सेल्फ, अदरवाइज आई विल म्यूट यू। ओके डन, आई हैव डन। ठीक है, तो बच्चे हमने करना है आज की नीलकंठ लेसन। ठीक है बच्चे, तो ओपन योर बुक्स। खान पान की बदलती तस्वीर, बदल गया खान पान, बहुत बदल गया। क्या क्या किया हमने खान पान बदल के, रिकैप। क्या क्या किया खान पान बदल के, अरे हमारा स्थानीय खान पान है, हम साग मक्की की रोटी खाते हैं बहुत शौक से, है ना। दाल रोटी खाते हैं हम, लेकिन साउथ इंडियंस क्या खाते हैं, डोसा इडली हाँ। और गुजराती क्या खाते हैं, ढोकला। फॉरेन कंट्रीज में चाइना वाले क्या खाते हैं, चाइनीज नूडल्स, पास्ता, पिज्जा। बाहर से आ गए, विदेशों से आ गए, और हमने क्या किया, अपना स्थानीय खाना भूल गए। बनाएंगे, बहुत लंबा प्रोसीजर है यार। साग कौन काटे, कौन बनाए, मम्मियां भी आलस कर जाती हैं। हाँ छोड़ो यार, देसी घी इतना क्यों खाना, क्योंकि साग के साथ देसी घी बहुत खाना पड़ता है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हाँ मम्मा आप भी टेंशन मत लो, 2 मिनट लगेंगे, मैं मैगी बना लेता हूँ। फॉरन की चीज कितनी जल्दी आ गई। नहीं मम्मा आज पास्ता ऑर्डर करते हैं, व्हाइट क्रीम पास्ता, मजा आ जाएगा। यानी खान पान की तस्वीर बिल्कुल बदल गई, टोटल बदल गई। यानी हमारे टेस्ट, हम अपने भोजन को तो भूलते जा रहे हैं और विदेशी भोजन अपनाते जा रहे हैं। इससे एक तो फायदा हो गया, क्या फायदा हुआ, क्विक सर्विस, मतलब हर काम जल्दी जल्दी। काम काजी महिलाएं जो इतना टेंशन लेके काम नहीं कर सकती ना, वो अपना फटाफट काम हो जाता है। मिक्स मिश्रित संस्कृति, चलो आज ढोकला बना लेते हैं, चलो आज इडली बना लेते हैं। एक तो टेस्ट चेंज हो जाता है, एक वो, ठीक है। तो खान पान की मिश्रित संस्कृति से कुछ फायदे हुए हैं, कुछ नुकसान भी हुए हैं। ठीक है, फायदे ज्यादा हुए हैं, नुकसान भी हुए हैं, क्योंकि हम अपनी स्थानीय चीज भूलते जा रहे हैं। फायदे ये हुए हैं कि हमारा जो कल्चर है ना, हम उसे भूलते जा रहे हैं। हमें अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, अब हम आज कर रहे हैं नीलकंठ पाठ। नीलाकंठ है जिसका, नीलकंठ नीलाकंठ है जिसका। हाँ? तो खान पान की बदलती तस्वीर के बाद नीलकंठ। अब ये जो स्टोरी है ना, आई वॉन्ट टू टेल यू इन ब्रीफ फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपको मुझे लगता है कहानी सुन के ही ज्यादा मजा आता है, फिर उसके बाद हम रीडिंग करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। हाँ, हैव यू एवर हर्ड पति पत्नी और वो, पति पत्नी और वो, सुना कभी, यस मैम, ना सुना सुना है ना। मतलब यस हस्बैंड मैम, वाइफ खुशी खुशी रह रहे थे, एक विलन बाहर से आया और उसने, प्लीज हु इज अनम्यूटेड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ बच्चे। हाँ म्यूट योरसेल्फ, अपने आपका जो है ना वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मतलब मुझे डिस्टरबेंस नहीं। हाँ जी, हम बात कर रहे थे पति पत्नी और वो की। हाँ मतलब पति पत्नी आराम से रह रहे थे, बाहर से कोई विलेन आया, यानी चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, वन थर्ड पर्सन केम एंड डिस्टर्ब द होल फैमिली। हमारी स्टोरी भी कुछ ऐसी है, महादेवी वर्मा की लिखी हुई कहानी है, पता है ये महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ऐसी राइटर है, पंजाबी भी लिखती थी और हिंदी भी लिखती थी। ऐसी राइटर है बेटे जिन्होंने सारी जिंदगी पशु पक्षियों के साथ काटा। महादेवी वर्मा का लेसन है, एक गिल्लू 10th क्लास में है, ठीक है, नीलकंठ आपके साथ है। एक इनका लेसन है गौरा, गाय की कहानी है कि गाय ने सुई निगल ली थी। सुई निगल ली थी, कैसे निगली थी, दैट इज अ लॉन्ग स्टोरी। हाँ फिर एक सोना कहानी है इनकी, हिरन पे कहानी है, यानी इन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। महादेवी वर्मा का बेटा अपना जीवन ना थोड़ा अपसेट ही रहा, इन्हें फैमिली का प्यार नहीं मिला, हस्बैंड का, बच्चे नहीं थे, तो इन्होंने अपने बच्चे अपनी फैमिली सारी
जानवरों को बना रही थी, यानी इन्होंने तरह तरह के जानवर घर में रखे हुए थे। ओके, इनके घर में गायें, हिरन, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, अब हम ये कर रहे हैं मोर कर रहे हैं, सब सब तरह के जानवर इनके घर में थे। किसके घर में? महादेवी वर्मा, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, उनके घर में सब कुछ था। ठीक है बच्चे, तो एक बार ये ना एक छोटे छोटे दुकान पे गई तो उन्होंने ना एक छोटे छोटे चिड़ियों जैसे बच्चे दे दिए दो और कहा ये बहुत अच्छे मोर है। अब उसे क्या पता छोटे छोटे चिड़ी जैसे लग रहे हैं, बाद में मोर बनेंगे, उन्हें क्या पता। चलो ले आई, चल ठीक है कोई गल नहीं। सारंग, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बच्चे आपने अपना कैमरा बंद कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चैटिंग करते रहेंगे। यू डोंट वॉन्ट टू लिसन टू मी, देन यू कैन लीव द क्लास। बच्चे प्लीज, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बना के कहानी सुना रही हूँ, अदरवाइज आई कैन रीड द लेसन एंड यू कैन डू क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन आप मुझे सुनने की बजाय आप इधर उधर करोगे तो फिर आई डोंट लाइक दिस बच्चे, अच्छा नहीं लगता ऐसे। पढ़ने बैठे हो तो प्लीज कंसंट्रेट ऑन वन थिंग। हमारे पास इतना ब्रेन नहीं है कि हम एक चीज सुन रहे हैं, एक चीज हाथों से कर रहे हैं, एक चीज कान से कर रहे हैं, इतना ब्रेन हमारे पास नहीं है बच्चे। हम अपने ब्रेन को, अपनी एक्टिविटीज को कलेक्ट करके बैठेंगे तभी हम सुन पाएंगे। और जैसे मैं सुना रही हूँ कहानी, आप ध्यान से कहानी सुन लेंगे तो यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स योरसेल्फ। आई एश्योर यू, अगर कहानी ध्यान से सुनेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस अपने आप कर पाएंगे। हाँ जी, मैं बात कर रही थी, सारा मजा खराब कर दिया आपने बच्चे। मैं बात कर रही थी कि दो चिड़ियों जैसे बच्चे ना उठा लाई ना, दो चिड़िया चिड़िया, पता तो था नहीं उन्हें कि ये मोर बनेंगे, पर ले आई, चलो दिया उसने जोड़ा दिया, ले आई। अब धीरे धीरे उन्हें आके जब लेखिका ने अपनी जाली में छोड़ा ना, जहां उसने जाली बनाई हुई थी कि इसमें सारे रहेंगे, जब उसने जाली में छोड़ा ना तो जाली में तो हलचल मच गई। ओहो, नए मेंबर आ गए। अरे नए मेंबर आएंगे तो वहां पे जितने चिड़िया, तोते, कबूतर थे ना, खरगोश थे, सब में खलबली मच गई है ना। नए मेहमान को हम एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी जल्दी से। ये नवा कौन आ गया? सारे कोई ऐसे देख रहा था, कोई ऐसे देख रहा था, कोई ऐसे कबूतर आंखें घुमा घुमा के देख रहा था, खरगोश एक आंख बंद करके देख रहा था, अच्छा अच्छा ये कौन आया, देखे ध्यान से ना, ऐसे चल रहा था सारा कुछ। ओके, तो सबने देखा। अब ये जो दोनों थे ना, ये धीरे धीरे सबके साथ मिक्स हो गए, बड़े आराम से दोनों सबके साथ मिक्स हो गए। अब ये पता ही नहीं चला कि कब ये जो एक चिड़िया थी ना इसमें से, वो सबका लीडर बन गया। जैसे जैसे ये बड़े होने लगे ना, इनका आकार विकसित होने लगा, तो इसकी गर्दन का कलर देख के ना महादेवी वर्मा ने इसे नीलकंठ नाम दे दिया। ओके, और जो दूसरी चिड़िया थी वो इसके बिल्कुल साथ साथ घूमती थी, जहां वो जाता वहां वो जाती है ना। तो देखा महादेवी वर्मा ने कि ये तो इसकी परछाई है, जहां ये जाता वहां जाती है, जहां ये जाता वहां जाती है। तो महादेवी वर्मा ने उसको उसके साथ साथ रहने के कारण नाम क्या दिया? राधा। यानी राधा का मीनिंग ही होता है परछाई, राधा का मीनिंग ही होता है परछाई। ठीक है बेटे, तो इस तरह इन दोनों का नामकरण हुआ। जो भी चीज हम लाते हैं घर में, कुत्ता लाए, बिल्ली लाए, खरगोश लाए, कुछ भी लाएं, हम उनके नाम रख देते हैं। ठीक है, इस तरह इनका नामकरण हुआ। नामकरण कैसे हुआ, क्लियर हो गया? और दूसरी हमने बात की थी, जब वो पहली पहली बार जाली में गए तो क्या हुआ, क्या हुआ था जाली में गए थे तो? कोई आंख बंद करके देख रहा था, कोई गुटर गुटर करता हुआ आसपास घूम रहा था, यानी बड़े ध्यान से देख रहे थे ये कौन आ गया, ये नया मेंबर कौन है। क्या इस तरह सब देख रहे थे, सब में कौतूहल था, सब में क्यूरियोसिटी थी कि ये कैसे है। ओके ओके, चलिए। अब ये जो नीलकंठ था ना हमारा हीरो, जिसको नाम दे दिया हमने नीलकंठ, क्योंकि बहुत सुंदर निकल रहा था, नीला गला था, बहुत सुंदर था, तो ये एक तरह का हीरो भी बन गया। एक बार क्या हुआ, ये एक पेड़ पे बैठा हुआ था, तो कहीं से ना इसे खरगोश की आवाज सुनाई दी,
फटाफट भागा गया, हीरो बन गया था, भागा भागा गया, देखा एक सांप ने खरगोश को मुंह में डाला हुआ है, ऐसे ऐसे सांप ने पकड़ा हुआ है खरगोश को मुंह में, ठीक है। इसने, आपको पता है सांप की और मोर की तो दुश्मनी होती है, इसने जाके चोंच मारी उस पे, सांप की फन पे चोंच मारी ना, और उसकी पकड़नी ली हो गई सांप की, और उसने खरगोश को बचाया, सांप को मार दिया। अब सोचो इसने सांप को मार दिया, खरगोश के बच्चे को बचाया, तो हीरो तो बन ही गया, वो फिर भी हीरो बन गया ना हमारा, ठीक है। तो हीरो बन गया और सब में लोकप्रिय हो गया। अब ये ना ऐसा लीडर बन गया, जब खाना डालने आती ना महादेवी, महादेवी खाना डाल जाती है ना, इसके होते कोई भी आगे बढ़ के खाना नहीं खा सकता था, सबको तरीके से बांटता खाना, चल अब तू खा ले, चल अब तू खा ले, चल अपने आप ही ये हीरो बन गया था, और सारे इसकी बात मानते थे, क्योंकि बाद में चोंच मारता था, पनिश करता था अगर आप कहना नहीं मानोगे तो, ठीक है। सेनापति बन गया सबका अपने आप ही, ओके। अब वो जो राधा थी वो इसके साथ साथ रहती थी हमेशा, और दोनों बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, ठीक है। एक बार राधा ने अंडे दिए और बच्चे पैदा होंगे उसमें से, ठीक है, पड़े हुए थे अंडे। अब महादेव वर्मा ना एक दिन फिर उस पशु पक्षियों वाली की दुकान पे गई, है ना, उसने क्या किया, वो क्योंकि जब भी महादेव वर्मा जाती थी वो कुछ ना कुछ दे ही देता था, वो कुछ ना कुछ, बिशप प्लीज बेटे ट्राई टू लिसन माय वॉइस, क्योंकि मेरी तरफ से कनेक्शन ठीक है, आपकी तरफ से कोई लैकिंग होगी या बीच बीच में से मेरी तरफ से भी हो सकता है लैकिंग हो, पर वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड। हाँ तो बच्चे क्या हम बात कर रहे थे कि महादेवी गई एक बार उसी दुकान पे दोबारा, उसने कहा ये एक और चिड़िया आई है, महादेवी जी आप तो ले जाते हैं, आपको तो प्यार है जानवरों से, ये एक और चिड़िया है आप ले जाओ। कहते क्यों, मैं क्यों ले जाऊं, कहते पता नहीं यार कोई शिकारी था उसने ना, आपको मालूम है मोर के पंजों से दवाई बनती है, मोर के जो पंजे होते हैं ना पैर के ऐसे करके चार आगे होते हैं एक पीछे होता है पंजे, इन पंजों को हर्ट करके यहाँ से दवाइयां बनती हैं, जानवरों से बहुत सी दवाइयां बनती हैं, है ना, तो इसके पंजे चुरा लिए जाते हैं, वैसे इसके पैर ऑलरेडी सुंदर नहीं होते मोर के, पंजों से दवाइयां बनती है, तो कहते हैं कि इसको पंजों से दवाइयां बनाने के लिए किसी ने हर्ट करने की कोशिश की और इसकी एक टांग बेचारी की जख्मी हो चुकी है चिड़िया की, आप इसे ले जाओ। महादेवी वर्मा ले आई। अब जिस दिन से वो एक नया मेंबर घर में आया है ना, उसे अच्छा नहीं लगता था, यानी उस चिड़िया को नीलकंठ और राधा इकट्ठे बैठे अच्छे नहीं लगते थे, जब भी राधा नीलकंठ के पास जाती वो चिड़िया जाके बीच में चोंच मारना शुरू कर देती, इतनी जेलसी हुई उसे राधा से कि उसने राधा के अंडे पैर से तोड़ दिए। अब वो तंग करती थी इसके लिए उसका नाम रखा गया कुब्जा। आपको पता है कुब्जा कौन थी, कुब्जा थी रामायण में कैकेयी की दासी, कुब्जा जो कुब्बी सी थी, जिसने कैकेयी को कहा था राम को वनवास दे दो, है ना, वो कुब्जा यानी विलेन ऑफ रामायण। अब वो यहाँ भी विलेन बन गई कुब्जा। अब वो क्या करती, नीलकंठ और राधा को इकट्ठे ही नहीं होने देती, जब भी इकट्ठे होते कुछ ना कुछ तंग करती, राधा को मारती, राधा के अंडे तोड़ देती, है ना। नीलकंठ बेचारा उदास रहने लगा, नीलकंठ पेड़ों में पत्तों में चिप जाता, कई कई दिन बाहर ही नहीं आता था, नीलकंठ पेड़ के पत्तों में चिप जाता, कई कई दिन बाहर ही नहीं आता था। अब राधा उसकी इंतजार करती, एक दिन वो आ जाता, राधा फिर खुश हो जाती, कुब्जा चोंचे मारती, यानी नीलकंठ बेसिकली उदास रहने लग गया। और एक दिन नीलकंठ मर गया उदासी के कारण। यानी इस कहानी से पता चलता है कि जानवर भी दुखी होते हैं इंसानों की तरह, हमारी तरह इनकी फीलिंग्स हैं, हमारी तरह ही इनका सब कुछ है, ठीक है। तो नीलकंठ एक दिन मर गया। अब राधा की हालत क्या होगी, राधा बेचारी भी बावरी सी हो गई,
ठीक है, दिस इज द होल स्टोरी। नीलकंठ मरा केवल बिछोड़े के कारण, क्योंकि दोनों बिछड़ गए थे, नीलकंठ और राधा। तो वी विल स्टार्ट रीडिंग दिस लेसन। आई होप यू विल एंजॉय द लेसन। जो मैंने बताया उन चीजों को पढ़ के शायद आपको मजा आए, तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग। जैस्मीत रीडिंग शुरू करोगे बच्चे? जैस्मीत अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ी सी शुरू करोगे कि मैं करूं? चलिए पहला पैराग्राफ मैं पढ़ती हूँ जैस्मीत, तब तक आप थोड़े बैलेंस हो जाएंगे, सेकेंड पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे? ओके। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। मैं कौन? महादेवी वर्मा। लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियां चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मैंने कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना प्रणाम कर दिया। किसने? चिड़िया वाले ने। सलाम गुरु जी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार दो मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। चलिए जसमीत भाग गई। जसमीत कौन? गॉन। गौरीश वुड यू ट्राई? हाँ जी कोशिश कीजिए। नहीं, आप लोगों के कनेक्शन सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं ही पढ़ती हूँ, मैं ही पढ़ती हूँ। सभी आप भी रहने दो, मैं ही पढ़ती हूँ बच्चे। बड़े मियाँ की भाषण की तरह मैं ऑडिबल? हाँ ऑडिबल है बेटा। इसमें मैंने वो रीडिंग करने के लिए किया था। करिए गौरीश, करिए बच्चे। यस मैम। मैम एक्चुअली मैम ये जो फर्स्ट पेज है मैम मेरी बुक में थोड़ा ब्लर है, तो मैम ये जो थर्ड पैराग्राफ है बड़े मियाँ के भाषण की, मैम यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ? तो मैं पढ़ती हूँ, यही है, यही से करना था आपने। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता था, यानी इतना बोलते थे रुकते ही नहीं थे, जहाँ रुक गए उसी को स्टेशन मान लिया जाता था। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ ने हाथ की ओर संकेत का अनुकरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे में पहुंची जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण मीन्स छोटा था कि वे पक्षी शावक जाली में गोल फ्रेम में किसी जड़े हुए चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझ में इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा? भाई जरा सोच लो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला है? ये जबकि 30 रुपए की बात हो रही है ना बेटे, उस समय 30 रुपए काफी वैल्यू रखते थे, ठीक है? पर वह मुझी क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अचता पछता कर देना ही पड़ा, अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु, 30 चिड़ीमान के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान को देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया, यानी 30 चिड़ीमान के और 5 और उसके प्रॉफिट के देकर 35 में वो खरीद के ले आई। दोनों पक्षी शावक के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया है। जाने की दुर्बलता बन गई है, अप्रसन्न होकर मैंने कहा, सॉरी, कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर में क्या सुर्ख आपके पर लगे हैं? है तो पक्षी ही, चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभव है। उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उनका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरियों में सत्तू की कटोरी, छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहे दानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए।
कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे, अंत में इस लुकापीछी से तक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया, यानी वहां पे रद्दी कागजों की टोकरी में आकर रहने लगे। दो चार दिन में वे इसी तरह दिन में इधर उधर गुप्तावास करने और रात को रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहते, यानी दिन में गायब हो जाते सारे कमरे में और रात को रद्दी की टोकरी में आकर सो जाते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी टोकरी में प्रकट होते रहे, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियां में तो जाली लगी थी पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, उनकी बिल्ली, इन नवांगतुकों, नवांगतुकों का मतलब इन नए आए मेहमानों के साथ क्या करती का पता लगा सकती थी और तब उनके शोध की का क्या परिणाम होता ये अनुमान करना कठिन नहीं था, क्योंकि उनके सारे जानवर उनसे बहुत प्यार करते थे। अब वो उन छोटी छोटी चिड़ियों को अपने कमरे में रखती ना, तो बिल्ली आके क्या एक्सपेरिमेंट करेगी, कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए महादेव वर्मा को अपने कमरे का दरवाजा बंद रखना पड़ता। ठीक है, ये अनुमान करना कठिन नहीं है, वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यानी कहते हैं मेरी बिल्ली इतनी डरपोक है कि चूहों को भी नहीं मारती, परंतु यहाँ तो दो सर्वतः अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था, उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उनकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, ये स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मरजारी के लिए असह ही कही जाएगी। मतलब एक नया मेंबर आके किसी का प्यार छीन ले, महादेवी वर्मा का प्यार छीन ले और वो चिड़िया आके महादेवी की टेबल पे आके अपना बना ले, जबकि बिल्ली को टेबल पे चढ़ने की इजाजत नहीं है और वो चिड़िया महादेवी की टेबल पे चढ़ जाए, ये बिल्ली को पसंद आने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने कमरा बंद ही रखा। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, लगा कि हर तरफ गंद डाल रहे हैं, है ना, मतलब वो पॉटी करते जा रहे हैं, इधर उधर हर चीज मेरी गंदी होती जा रही है, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है, मतलब मेन रहने की जगह है। जो अब क्या हुआ भाई, जो मैंने बताया क्या हुआ, हलचल मच गई ना, दोनों नवांगतुकों ने पहले से रहने वाले में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक होता है। What do you mean by this line? घर में नवी नवेली बहू आती है, आपके चाचा की शादी हुई, आपके बड़े भैया की शादी हुई, किसी कजन की शादी हुई, दुल्हन आई, तो क्या होता है, सारे उस दुल्हन को देखने के लिए उत्सुक होते हैं, वो देखिए तो सही शक्ल कैसी है, आंखें कैसी है, भाभी कैसी है, चाची कैसी है, यानी सबको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, लड़के हो लड़कियां हो सबको क्यूरियोसिटी होती है, अच्छा चाची नहाए, अच्छा उन्होंने बिंदी लिपस्टिक लगा ली, यानी इस तरह की क्यूरियोसिटी उनको भी थी। देखिए क्या है, लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े, कबूतर का नाम है लक्का, नाचना छोड़ के भागे भागे आए और उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटर घूम की रागिनियां लपने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभा सदों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे, यानी जो बड़े खरगोश थे वो आराम से बैठ गए कि देखें क्या होता है, देखते हैं आगे क्या होता है। ऊन की गोंद जैसे छोटे छोटे खरगोश, ओहो सो ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, छोटे खरगोशों को ऊन की गेंद का है, ऊन की गेंद बोला उन्होंने, ठीक है, चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उसका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। ठीक है, क्लियर, दिस इज द आंसर ऑफ वन क्वेश्चन, यू विल राइट योर सेल्फ, इस पैराग्राफ को आप अपने ढंग से आंसर में लिखेंगे। क्वेश्चन देखे कौन सा है, देखे, लेट मी सी, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ, दिस इज द मेन क्वेश्चन, है ना, जाली में पहुंच गए तो दोनों का स्वागत कैसे हुआ, कैसे हुआ, जैसे घर में एक
नववधु के आने पर होता है। पहली लाइन हम ये लिखेंगे, उनका स्वागत ऐसे हुआ जैसे घर में एक नववधु के आने पर होता है। ठीक है, कबूतरों ने नाचना छोड़ दिया और गुटरमू गुटरमू करने लगे, बड़े खरगोश चुपचाप बैठ के देखने लगे, छोटे खरगोश ऊन की गेंद जैसे आसपास घूमने लगे, तोते एक आंख बंद करके देखने लगे। बस यही चार चीजें लिखेंगी। कौन कौन सी चार चीजें लिखेंगी? एक तो ऐसा स्वागत हुआ जैसे घर में नई बहू आ जाती है। नंबर टू, कबूतरों ने नाचना छोड़ दिया और गुटरगू गुटरगू करने लगे। नंबर थ्री, बड़े खरगोश चुपचाप बैठकर देखने लगे, छोटे खरगोश ऊन की गेंदों के समान उनके आसपास कूदने लगे। पांचवा, तोते एक आंख बंद करके उन्हें ध्यान से देखने लगे। राइट इन इजी वर्ड्स, राइट इन इजी वर्ड्स। देयर आर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही सभ्या? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही मुझे। मैम आ रही है आवाज? मैम आ रही है। यस मैम, मैम आ रही है। सभ्या मेबी द प्रॉब्लम इज विद योर कनेक्शन। बच्चे हाँ, फाइंड आउट। ओके, मैंने क्या कहा, पांच चीजें बताई। जैसे नववधु का स्वागत होता है ना, वैसे स्वागत होने लगा। नंबर टू, कबूतरों ने नाचना छोड़ दिया और उनके आसपास गुटरगू गुटरगू करने लगे। नंबर थ्री, बड़े खरगोश चुपचाप बैठ गए। नंबर फोर, छोटे खरगोश उनके आसपास ऊन की गेंदों के समान कूदने लगे। एंड नंबर फाइव, तोते एक आंख बंद करके निरीक्षण करने लगे, जांचने लगे कि कौन आ गया। कर पाएंगे ना? हो जाएगा ना ये क्वेश्चन बच्चे? आगे देखिए, धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का निकलना, जैसे प्यूपा से बटरफ्लाई बनती है ना, पहले सुंडी सी होती है फिर बटरफ्लाई, कितनी सुंदर होती है पंखों वाली। वैसे ही वो चिड़िया के बच्चे दिन ब दिन निखरने लगे, बढ़िया होने लगे। मोर के सिर की कलगी और सघन, यानी ऊपर जो होती है कलगी, वो घनी होने लगी, ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम, बंकिम मींस चोंच तिक्खी, बंकिम मींस तिक्खी, बड़ी तिक्खी चोंच हो गई और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनीली की नीलाभ द्युति झलकने लगी, आंखों में नीली नीली चमक आ गई। द्युति मींस चमक, आंखों में नीली नीली चमक आ गई। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तिरंगे उठने गिरने लगी। आपको मालूम है जब मोर हिलता है ना, तो उसमें कभी डार्क कलर कभी लाइट कलर झलकता है। ये है धूप छाई तिरंगे। यू ऑल हैव वन पिल्लो विद यू, जिसको आप ऐसे हाथ मारते हो सिपियां एक कलर की हो जाती हैं, उल्टी तरफ हाथ मारते हो कलर चेंज हो जाता है। या आपकी पिक्चर बनी हुई होती है उस पिल्लो पे, ऐसे हाथ मारते हो तो पिक्चर और हो जाती है, ऐसे हाथ मारते हो तो पिक्चर और हो जाती है। ऐसे ही सेम, जस्ट ऐसे ही बहुत सुंदर उसके पंखों की रचना होने लगी। ठीक है, पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं और इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे, चमक उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने ये नई गरिमा से रंजित कर दिया। पैर सुंदर नहीं होते मोर के, पर पैरों से जब वो नाचता है ना, थिरकना, मोर का थिरकना ऐसे ऐसे कहते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे हिलना थिरकना कहते हैं मोर का। दोनों पैरों पे जब नाचता है, इट लुक्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हाँ, तो उसकी गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। कहते हैं, लेखिका कह रही है कि आई कांट एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ दैट मोर। मोरनी का विकास मोर के समान
चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु उसकी लंबी धूप छाई गर्दन हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारणी होने का प्रमाण मिल गई। मोरनी ज्यादा सुंदर नहीं होती बेटे, लेकिन होती तो उसी की पार्टनर है ना। ठीक है, तो बेल हैज गॉन, कल कंटिन्यू करेंगे इसी लेसन को यहीं से। यू आर सपोज टू डू वन क्वेश्चन ओनली इन योर नोटबुक, ओके, एंड रीड व्हाटएवर वी रेड इन द क्लास, ओके। गुड बाय।